अगर आपके हाथ कोई ऐसी लग्जरी कॉम्पैक्ट एसयूवी लग जाए जिसके एक्सेलेटर पैडल पर पैर रखते ही उसमें मिलने वाला इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर आपको अपनी रफ्तार का दीवाना बना दे तो कैसा रहेगा। मैं किसी एम बैच, आरएस या फिर एएमजी बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक एच बैच जरूर है मेरे पास, जिसका मतलब है हाइब्रिड। जी हाँ, मेरे पास मौजूद है लेक्सस एनएक्स 300H, जो कि जापानी लग्जरी कार निर्माता कंपनी की एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं। वैसे तो इस गाड़ी को लॉन्च हुए 3 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने का मौका हमें अब मिला है। कई सारी चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलती हैं, पर कुछ कमियां भी आपको इसमें ज़रूर मिलती हैं। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसमें सामने से दिखने में आपको सेम वही ट्रेडिशनल लेक्सस डिज़ाइन एलिमेंट्स ही देखने को मिलते हैं। स्पिंडल शेप्ड ग्लॉस, ब्लैक ग्रिल और एल शेप्ड LED DRLs इसे काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। कार में स्पोर्टी अपील के साथ शार्प लाइंस देखने को मिलती हैं। साइड में 18-inch के एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि ब्लैक और कॉपर कलर में आते हैं। रियर में भी LED टेल लाइट्स के साथ पूरा डिज़ाइन काफ़ी एग्रेसिव और अट्रैक्टिव लगता है। अपने बड़े भाई RX 450H की तरह ही NX 300H में भी आपको एक बड़ा सा स्पोर्टी डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। और यहाँ पर आपको 10.3 इंच का बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसे आप टच पैड के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। टच स्क्रीन इसमें नहीं मिलता है, हालांकि आपको इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, और टच पैड के ज़रिए भी आप इसे आसानी से चला तो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ही 12 स्पीकर्स का मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन काम करता है। CD प्लेयर का भी कंपनी ने इसमें ऑप्शन दिया है, पर इन दिनों CD प्लेयर कौन इस्तेमाल करता है? आप करते हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डैश के बीच एक एनालॉग डायल भी काफी क्लीन और रेट्रो लुक देता है। फ्रंट रो पर आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग और सीटें मिलती हैं, जो कि मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। पर अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, जिसे MID स्क्रीन भी कहा जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लग रहा है। इस समय यही स्क्रीन सेम टोयोटा इनोवा में भी इस्तेमाल की जा रही है। अंदर बैठकर आपको चारों तरफ बाहर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सेंटर कंसोल पर काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं और कुछ इसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे, जहां पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कुल मिलाकर केबिन में हाई प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट देखने को मिलता है, और हाँ, हर जगह आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। पिछली सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया लेग रूम, हेड रूम और शोल्डर रूम देखने को मिलता है, पर इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा सा ऊंचा है, इस वजह से अंडरनीथ थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। 6 फीट या फिर इससे लंबी हाइट वाले व्यक्ति को अंडरनीथ थाई सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसके अलावा पीछे की तरफ आपको कोई भी USB चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है, यानी कि अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है तो आप पीछे बैठकर चार्ज नहीं कर सकते, आपको आगे वाले व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि लिए भाई मेरा फ़ोन ले और चार्ज पर लगा दे। बड़ी सी ग्लास रूफ, जिसे मून रूफ भी कहते हैं, जी हाँ, ये सनरूफ नहीं है, यानी कि ये खुलती नहीं है, लेकिन हाँ, आपको बाहर का पूरा व्यू ज़रूर दे देती है। और साथ ही सीटों में मिलने वाला कूलिंग फंक्शन, जी हाँ, ये जो सीटें हैं इसमें आपको कूलिंग फंक्शन भी दिया जा रहा है, और इसके चलते ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील भी कराती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 8 एयरबैग्स, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, हीटेड स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग रियर सीटें भी मिलती हैं। दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले हम इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। ये आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है, बटन दबाओ और अपने आप ये खुल जाता है। तो इसमें आपको 475 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और बूट के नीचे बैटरी पैक है, जिसके चलते आपको सामान रखते हुए थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी। तो चलते हैं अब इसकी ड्राइव पर और जानते हैं कि चलाने के दौरान ये कैसी लगती है। We'll be right back.
NX300H में कंपनी ने सिर्फ एक ही पावर ट्रेन का ऑप्शन दिया है और इसमें मिलता है 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 2 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करता है। सिर्फ पेट्रोल इंजन की बात करें ना तो ये आपको 152 हॉर्स पावर और 210 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देता है। वहीं 2 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी पावर 195 हॉर्स पावर हो जाती है। और ये जो इंजन है ये इंजन ECVT ट्रांसमिशन के साथ आता है जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील्स पर पावर सप्लाई करता है। इसमें दी गई मोटर प्रत्येक एक्सल में लगाई गई है। कुल मिलाकर इसकी मैकेनिज्म काफ़ी बेहतरीन है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज ज़बरदस्त है। इसी विशेषज्ञता के चलते NX300H का ARAI माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर है, पर आपको सिटी में 12 टू 13 KMPL और हाईवे पर 15 टू 16 KMPL के बीच मिल जाता है। स्लो स्पीड पर 20 टू 30 KMPH की रफ्तार पर आप हल्के थ्रोटल इनपुट के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का काफ़ी बेहतरीन काम देख सकते हैं। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर का ही अहम योगदान रहता है। ब्रेक लगाते ही रीजनरेशन सिस्टम बैटरी को बिना किसी रुकावट के चार्ज कर देती है और जैसे ही आप इसे एकदम तेज चलाते हैं तो सिर्फ पेट्रोल इंजन ही पावर नहीं देता बल्कि बैटरीज भी चार्ज होती रहती हैं। 3 ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, इको, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। हालांकि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। इको में आप बढ़िया माइलेज हासिल कर सकते हैं और स्पोर्ट्स मोड पर एक तेज तर्रार फन टू राइड का आनंद उठा सकते हैं। इस मोड पर स्टीयरिंग भी थोड़ा सा भारी हो जाता है और सस्पेंशन भी इलेक्ट्रॉनिकली थोड़े से कठोर हो जाते हैं। तेज स्पीड हो या फिर कम, NX300H में आपको एक बेहतरीन ड्राइव का अनुभव मिलता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। Lexus NX300H चलाने और कंफर्ट के मामले में एक बेहतरीन लग्जरी कॉम्पैक्ट SUV है। इसमें आपको शार्प स्टाइलिंग और स्पोर्टी इंटीरियर मिलता है। इसमें आपको कंपनी सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन दे रही है, डीजल इंजन आपको इसमें नहीं मिलता है। हालांकि आप इसके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के दीवाने ज़रूर हो जाएंगे। भारतीय बाज़ार में इसकी एक्शोरूम कीमत करीब 60 लाख रुपये है और इसका मुकाबला वॉल्वो XC40, रेंज रोवर इवोक, ऑडी Q5 और BMW X4 से है। लेकिन उन सभी गाड़ियों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलती जो कि आपको इसमें मिलती है।